हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इनसाइट इंस्टा पीटी 2020। इनसाइट है इसके पीटी 365 डेज का। यहाँ पे ये लेक्चर आ चुका है इन्वॉल्वमेंट सीरीज का। तो इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, मई 2019 से लेके फरवरी 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को हम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं फटाफट। देखिए, पहला यहाँ पे टॉपिक गवर्नमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव्स निकल के आया है। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट के वेरियस प्रोग्राम्स रहे हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, उसको हम डील करेंगे, देखेंगे जो जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो उसको सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साथ में आपको यहाँ पे, आप चाहें तो इसका मैं पीडीएफ जो है शेयर कर दिया करूँगा ग्रुप के अंदर, तो आप चाहें तो इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो आप चाहें तो साथ में हम हमारे ये डिस्कस करते हुए चले, और एट द एंड आप ये पाएंगे कि आपने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम हो गया, ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेल्फ और इन्वायरमेंट मिटिगेशन मेजर्स हो गया, जल जीवन मिशन हो गया। इस तरीके से वेरियस प्रोग्राम को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन हम देखिए एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इसके ऊपर से हर साल एक क्वेश्चन, एक नई क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो ये देखिए, वैसे भी इन्वायरमेंट सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल देखिए इस सीरीज को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। और एक एक टॉपिक को मैं तो कहता हूँ कि दो बार इसको आप रिविजन करिए, दो बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स आप चाहिए तो याद करते हुए चलिए। तो आपको लेक्चर, जैसे आज ये लेक्चर डल गया है, तो आज ही आपको ये लेक्चर निपटाना है और याद करना है। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप कल के लिए छोड़ देंगे तो फिर आप लेक्चर को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है और चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा करनी है। अभी हमें विजन का 365 डेज को सभी को निपटाना है। ठीक है, इनसाइट 365 डेज को निपटाना है, इसके साथ हमारा क्रेश कोर्स जो चल रहा है उसको निपटाना है, तो वेरियस इनिशिएटिव जो चल रहा है वो हमें साथ में लिख के चलना है। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको साथ में याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हर साल देखे जाते हैं कि प्री के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग लगभग 30 क्वेश्चन जो है इन्वॉल्वमेंट से पूछे जाते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा इन्वॉल्वमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे 11 आर्टिकल हैं, स्पीसीज डिस्कवरी, जो नई नई स्पीसीज की डाइवर्सिटी हुई है, या कुछ नए कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो देखे गए हैं बहुत टाइम बाद, या फिर कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये सारी सबकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है एक जगह पे। पॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या निकल के आई हैं चीज़ें, स्मॉग टावर वगैरह आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो बने हुए हैं, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। जो इवेंट्स हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स जो रिलीज करते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर वेरियस जो रिपोर्ट रिलीज होगी उन सभी रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल जो एफर्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, क्या इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं क्लाइमेट को चेंज से रिलेटेड, ठीक है, पॉल्यूशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स कन्वेंशन हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल फ्यूचर देखिए थोड़ा सा लेंदी है ये, तो आपको पेशेंस बना के रखना है। हम लोग बिल्कुल आप लोगों के साथ लगे हुए हैं कि आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, तो आपको बस करना ये है कि हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, चीज़ों को बार बार रिविजन करना है, देखना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपका जो रिजल्ट होगा पॉजिटिव वे में आएगा। ठीक है, और फिर कुछ मिसलिनियस के टॉपिक हो जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा टॉपिक लंबा है, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स तो थोड़ा सा ज़्यादा बन जाए, तो आप लोगों को साथ देना यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं कितने लेक्चर्स बन पाते हैं, हम कितने लेक्चर्स में इसको कवर कर पाते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि थोड़े एक दो लेक्चर अगर ज़्यादा बन जाते हैं तो बन जाते हैं, पर हम डिटेल में डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला जो निकल के आता है वो है ग्रीन क्रेडिट स्कीम। अब देखिए ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके की ऐसी स्कीम है, ग्रीन क्रेडिट स्कीम, तो यहाँ पे आपको समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है ग्रीन क्रेडिट स्कीम को। ठीक है, तो आपको ये याद रखते हैं ग्रीन क्रेडिट स्कीम को किस इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके इसके रिगार्डिंग और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसके इस स्कीम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें क्या होंगी, जैसे कि फॉरेस्ट का बढ़ाने की बात की जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा एफॉरेस्टेशन की बात की जाएगी, जैसे कि जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, विलेज फॉरेस्ट हो गए, कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई लैंड को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें प्लांटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब ग्रीन क्रेडिट को स्कीम्स के अंदर हमको ग्रीन जो कवर एरिया है उसको यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है,
तो अगर ये पॉइंट याद है तो मतलब आई थिंक आपको याद रहेगा ये सारी चीज़, ठीक है। अगर बैकग्राउंड देख लेते हैं तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, 2015 में भी ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम को किया गया था, जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रिगार्डिंग यहाँ पर रिकमेंड किया गया था, और फॉरेस्ट की डिग्रेड जो भी डिग्रेड फॉरेस्ट थे, लैंड थी, उसमें यहाँ पे एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा किस तरीके से अथॉरिटी के द्वारा हमें बहुत सारे पेड़ लगवाए गए थे और ग्रीन कवर एरिया को बढ़ाया गया था, ठीक है। आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लिया होगा अगर एनवायरनमेंट का क्रेश कोर्स सीरीज में, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से फॉरेस्ट कवर को डिस्कस किया हुआ है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम अगर हम बात करते हैं तो प्लांटेशन ऑफ माई इंडिविजुअल देखने को मिलेगा, कि हर एक बंदा क्या अपने लेवल पर प्लांटेशन कर रहा है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो एरिया हो रहा है वो बढ़ रहा है, और जो हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट करके रखा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए SDG गोल हो गया, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो हमने करके रखा है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल को और बढ़ते हैं, हम जो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल वो है नमामि गंगा प्रोग्राम। ये एक तरीके का एम्ब्रेला प्रोग्राम है, ये आपको यहाँ रखना है, नाम से समझ में आ रहा है, गंगा प्रोग्राम है मतलब गंगा को स्वच्छ रखने का प्रोग्राम है। तो ये यहाँ पे ये आपको याद रखना है, NGC यहाँ पे है, ये एक बॉडी है नेशनल गंगा काउंसिल, ये सारी प्रोग्राम को कर रही है। अक्टूबर 2016 से इसको क्रिएट किया गया था, अंडर किसके अंडर में, द रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर 2016 के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए कोई भी मैंने पहले कई बार मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो बॉडी जो ऐसी चीज़ जो होती है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर होते हैं, तो वो जो बॉडी होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे भी इनके जो हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। NGC की कौन हेड है, प्राइम मिनिस्टर है, और NGC वुड बी ऑन द बोर्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर यहाँ पे, जो जहाँ से गंगा गुजरती है बेसिन एरिया से, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ यहाँ से गंगा गुजरती है। तो इनके जो बेसिन एरिया हो गए, इनके स्टेट के CM पार्टिसिपेट्स करेंगे, ठीक है, इसके अंदर, और एक साल में एक बार ये लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके मेन पिलर्स क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, नमामि गंगा प्रोग्राम के अंदर हम करेंगे क्या क्या, सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरीके से जो गंदा पानी आ रहा है, सीवेज का पानी आ रहा है, तो वो गंगा नदी में ना मिले, उसका किस तरीके से हमको अलग धलग करना है, ट्रीटमेंट उसका करना है, साफ उसको करना है, ठीक है। रिवर सरफेस को किस तरीके से हमें क्लीन करके रखना है, एफॉरेस्टेशन करना है, आजू बाजू जो है पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा लगाना है, जिससे क्या है वो मिट्टी को बांध के रखे और पानी का जो पानी का बहाव है वो अच्छे तरीके से चलता रहे, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है कि इंडस्ट्री से जो पानी जाता है वो सारी चीज़ें हम उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, और गंगा ग्राम बनाएंगे, ठीक है, एक तरीके से। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल को और हम मूव करते हैं, जो हम थर्ड आर्टिकल हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल्फ फॉर इन्वायरमेंट मिटिगेशन मेजर, ठीक है। तो ये किससे चीज़ से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। देखिए इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना अंदर डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल सेल जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोल से रिलेटेड है, माइन कोल से रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, मोर देन सुफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कोल माइनिंग है कंट्री के अंदर, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, किस तरीके से सस्टेनेबल वे में आपको कोल माइनिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी करे जा रहे हैं, कहीं भी किए जा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कोल मिनिस्ट्री द्वारा है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर हम मूव करते हैं, ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है हमारा, जल जीवन मिशन। देखिए जल जीवन मिशन जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मिशन है। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ये जो मिशन है किस चीज़ से रिलेटेड है, जल जीवन मिशन, एक तरीके से आप ऐसा याद रखिए कि हर घर जल, ठीक है। पाइप से क्या होगा, वाटर की सप्लाई होगी यहाँ पे हर हाउस होल्ड को 2024 के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, एक इंटीग्रेटेड डिमांड टू जो सप्लाई है वाटर की, यहाँ पे सबको फुलफिल की जाएगी, जैसे वाटर की स्कैरसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है हमारे इंडिया के अंदर, और हर जगह लगभग लगभग देखने को मिल रही है, ठीक है। साफ पानी जो है बहुत ही कम रह गया, ठीक है। जल जीवन के मिशन के अंदर जो है यहाँ पे देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंज किया अपने नॉर्म्स को जल जीवन मिशन के अंदर, टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट, की फाइनेंशियल बर्डन जो है स्टेट के अंदर ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखिए ये कौन सी स्कीम है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि ये जल जीवन मिशन जो है कैसी स्कीम है, तो ये सेंट्रल
कैसी स्कीम है यहाँ पे, ये या आपको याद रखना है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर ये कौन सी स्कीम है, कोर स्कीम है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपने विजन्स के लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके एक बार वो लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक जगह हम सारी चीज़ों को लिंक करके डिस्कस कर रहे हैं, तब आपको जल्दी जल्दी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी सेंट्रल स्टेट जो का वो हो रहता है, यहाँ पे हिमालयस वगैरह हो गया, हिमालयन के जो स्टेट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, जिनको स्पेशल कैटेगरी दिया गया है, उसमें 90-10 का रेशियो रहेगा। मतलब 90% जो पैसा है वो सेंटर देगी, और 10% जो मनी है वो कौन देगा, स्टेट देगा, ठीक है। और यूटी में तो 100% सेंटर ही देता है, ठीक है। और जो सिंपल रेस्ट ऑफ द स्टेट है वहाँ पे 50-50 का रेशियो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो वेस्ट वाटर है उसको किस तरीके से रीयूज किया जाए एग्रीकल्चर वगैरह में, रिचार्ज मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के अंदर आती हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरीके से हमको करना है, ठीक है। ग्राउंड रिचार्ज किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, सॉलिड वाटर, वेस्ट वाटर किस तरीके से रीयूज करना है एग्रीकल्चर के लिए, आपको जल जीवन मिशन के अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको जल जीवन मिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है नेशनल वाटर पॉलिसी, ठीक है। वाटर से रिलेटेड देखिए, हम एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड वे में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको याद करने में भी सिंपली बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा तक आपके टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन रहती है, ठीक है। नेशनल वाटर पॉलिसी की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज द कमिटी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक फाइनलाइज कर लिया है कमिटी को, जो ड्राफ्ट करेगी अ न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी। तो हमारे यहाँ एक नई नेशनल वाटर पॉलिसी आएगी। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए एनडब्ल्यूपी के बारे में, हम नेशनल एनडब्ल्यूपी दैट इज नेशनल वाटर, तो देखिए इस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 जो है ये पहली तरीके की ऐसी पॉलिसी नहीं, इसके पहले भी जो है पॉलिसी आ चुकी है, जो हमारी थर्ड ऐसी पॉलिसी 1987 है, सबसे पहले ये पॉलिसी आई थी, ठीक है, पहली बार आई थी, ठीक है, नेशनल वाटर पॉलिसी। आप देखिए और चीज़ हम इसके अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ जो है डिस्कस करेंगे, कि या इसके अंदर एक तरीके से ऐसी चीज़ें बनाई जाएगी कि इंटीग्रेटेड वाटर का किस तरीके से, जो वाटर रिसोर्स है उस तरीके उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है। ठीक है, गंगा वाटर किस तरीके से किया जाए, यमुना वाटर को किस तरीके से किया जाए, ठीक है, इकोलॉजिकल नीड कैसे फुलफिल की जाए, ठीक है, रिवर बेसिन अथॉरिटी किस तरीके से बनाई जाए, ठीक है, हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए, वाटर जो हेल्दी होना चाहिए, हेल्थी और हाइजीन होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आ रही है वो सारी चीज़ें ये वाटर पॉलिसी देखेगी, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ हो गई, इकोनॉमिकल सोशल इम्पैक्ट, जो 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 इम्पैक्ट पड़ेंगे सारी चीज़ें ये देखेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हो, तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा निकल के आता है वो है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपके लिए, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, ठीक है। ग्रीन वॉल आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेट ग्रीन वॉल। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा एक ऐसा वॉल बनाई जा रही है, एक ऐसी दीवार बनाई जा रही है, पेड़ों की दीवार ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है, दिल्ली से लेके गुजरात तक, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 40 इसका हम थोड़ा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1400 किलोमीटर जो है ये लॉन्ग रहेगी, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक ख़त्म हो रही है, ठीक है। मतलब गुजरात से कहाँ दिल्ली तक है, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर जो होगी वाइड होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ वॉल भी कहा जाता है, थ्रू द विड्थ ऑफ द अफ्रीका फ्रॉम डाकार से गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको क्या होगा, ये एक तरीके से सील्ड का काम करेगा, ठीक है, अगेंस्ट द डेजर्ट। क्या हो रहा है कि डेजर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। डेजर्टिफिकेशन एक तरीके से ऐसा आप कह सकते हैं कि बंजर भूमि जो है बढ़ रही है। अब जो धूल कण होते हैं, ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए, रेतीली चीज़ें होती है यहाँ से बहते हुए क्या होती है, उड़ते हुए यहाँ आती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये लेन भी डिग्रेड हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से हम पेड़ पौधे लगा देंगे तो ये एक वॉल का काम करेगा, एक शील्ड का काम करेगा, जो डिग्रेड हो रहा है लैंड उसको रोकेगा, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो हमारे पास टारगेट है कि हम डेजर्टिफिकेशन को कम करें, ठीक है, तो वो भी हमारा फुलफिल हो रहा है। और एक तरीके से जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जो यहाँ से वहाँ जा रही थी वो चीज़ वो हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा, तो वहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज से भी इसके अंदर लड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया जाएगा, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। पोरबंदर से लेके पानीपत तक है, ये याद रखना, पोरबंदर गुजरात के अंदर है, पानीपत दिल्ली से, तो गुजरात से लेकर
दिल्ली तक ये प्रोजेक्ट है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम मूव करते हैं, ठीक है, जो ग्रीन इंडिया मिशन है, इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि जो ये जो है वन ऑफ द 8 मिशन है लॉन्च अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये उन 8 मिशन में से एक है जो हम लॉन्च किए हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, ठीक है। ये लॉन्च हुआ है, GIM जो लॉन्च हुआ है 2014 के अंदर लॉन्च हुआ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। जो इंडिया का डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, मतलब एक तरीके से उसको इन्हेंस करने की बात की जा रही है, ठीक है। कुछ ऐसा फॉरेस्ट कवर हो रहा है जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, हर 2 साल के अंदर ये रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के अंदर हम बहुत बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बताई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप बात कर लीजिए फॉरेस्ट कवर एरिया कितना हो चुका है, कितना बढ़ा है या घटा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो जो डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एरिया है, जो कम हो रहा है, उसको यहाँ पे बढ़ाने की बात करी जा रही है, ठीक है। इसके अंदर बात की जा रही है कि हमें किस तरीके से फॉरेस्ट कवर एरिया है उससे जो हम किस तरीके से जो लाइवलीहुड डिपेंडेंट है वहाँ पे इनकम जो डिपेंडेंट है वहाँ पे उनकी इनकम को इंक्रीज करें हम, ठीक है। यहाँ पे उनकी बात की जा रही है, ठीक है। इस तरीके से वेरियस यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रियल के अगर हम बात कर लेते हैं, जो ग्रीन कार्बन होता है, ठीक है, तो किस तरीके से कार्बन सिंक बनाया जाए, कार्बन क्रिएट किया जाए, टन ऑफ कार्बन तो जो है सिंक किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम बात कर रहे थे, ठीक है। वेरियस जो गोल्स हैं इसके, जैसे कि फॉरेस्ट कवर एरिया को इतना डेंस करना है, इतना बढ़ाना। हमने देखिए, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट वो लेक्चर है इन्वायरमेंट का क्रेश कोर्स का 45th लेक्चर है। क्रेश कोर्स के अंदर आप जाइए, लेक्चर नंबर 45th को आप जाइए, डे 45 को, तो उसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें फॉरेस्ट कवर एरिया जो है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उसमें कितना डेंस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ओपन फॉरेस्ट किसको कहते हैं, ठीक है, मॉडरेट फॉरेस्ट किसको कहते हैं, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो एक बार जाके आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा निकल के आया, केरला बैन ऑन CFL फिलामेंट बल्ब फ्रॉम नवंबर 2020। देखिए इसी साल नवंबर 2020 से केरला यहाँ पे बैन कर देगा CFL बल्ब को, ठीक है। यहाँ पे क्यों बैन कर रहा है कि देखिए CFL का पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऊर्जा केरला मिशन है, ये जो मिशन का नाम है यहाँ पे ऊर्जा केरला मिशन। इसके अंदर क्या होता है, जो फिलामेंट फ्री केरला यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो नवंबर 2020 से ये नवंबर 2020 तक क्या कर रहा है कि LED मुहैया करवा रहे हैं सबको, ठीक है, कि आप LED यूज कीजिए, CFL को हटाइए, CFL को यहाँ पे बैन करने की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा बैन, क्योंकि CFL के अंदर क्या होता है, मरकरी होता है, जो इमिट कर आयोनाइजेशन वगैरह मरकरी पेपर होता है, तो वो जो होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा थोड़ा सा बेकार का काम करता है एक तरीके से, ठीक है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का काम करता है। और इस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ साथ आपके हेल्थ हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा रिस्क रिस्की फैक्टर यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लोगों के लिए, ठीक है। और सबसे मेन बात और यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि LED को जो है डिस्ट्रक्शन करना, LED को समाप्त करने के तरीके से जब आप डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वो इजियर होता है देन CFL से, ठीक है। और CFL जो है पॉल्यूट करता है लेकिन LED पॉल्यूशन नहीं करता है, सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है। LED के अंदर ब्राइटनेस ज़्यादा रहती है, ठीक है, ये चीज़ भी निकलने को मिलती है, ब्राइटनेस ज़्यादा रहती है लेकिन वो लाइट की जो खपत लेता है, यूज करता है, वो 80% लाइट कम यूज करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है LED की खासियत है, ठीक है। LED क्या करता है, 80% जो है कम लाइट यूज करता है, ठीक है। वाई LED ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो PSEZ है, ठीक है, प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। ये क्या है प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे कावेरी डेल्टा जो तमिलनाडु गवर्नर ने, तमिलनाडु के CM ने डिक्लेयर किया है कावेरी डेल्टा को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाया है। मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, तो हो सकता है कि कभी इस तरीके से ये सारे जो नाम हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार नज़र ज़रूर मार लीजिएगा इन नाम के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटेक्टेड जोन के एरिया के अंदर जो नाम हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि ये
तिरुवर हो गया, तंजावुर हो गया, ठीक। तो एक बार आप नज़र जरूर मार लीजिएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे अगर जैसे कावेरी डेल्टा को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो ये आने वाले टाइम में क्या है कि अगर देख अगर ये एक्सप्लोइट एक्सप्लोटेट हो जाएगा, एक्सप्लोटाइट हो जाएगा, ठीक है, लोग इसको एक्सप्लोटेट कर देंगे, इसको एक तरीके से बिगाड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो तमिलनाडु में वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनके जो डेल्टा के जो फार्मर्स वगैरह हैं वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी जो लाइफ थ्रेटनिंग में आ जाएगी एक तरीके से। वहाँ पर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ का उनका जो फूड वगैरह है वो सब वहीं से डिपेंडेंट है वो सारे लोग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल निकल के आया है यहाँ पे वो है जल जल युक्त शिवर। देखिए जल युक्त शिवर क्या है, एक फ्लेक्सी वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जलयुक्त नाम समझ में आया, जल मतलब वाटर, ठीक है। तो शिवर मतलब एक स्कीम है, एक तरीके से फ्लैक्सिव स्कीम है, ठीक है। कंजर्वेशन वाटर को बचाने की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है जलयुक्त मिशन, जो शिवर शिवर है, ठीक है, प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। देखिए स्टेट स्पेसिफिक कभी ऐसा पूछा नहीं आता है, पर ये सारी चीज़ें जो है आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज करते हैं पहली बार। सेकंड नंबर पे कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल यूपीएससी या प्रीलिम्स में और कभी कभी छोटे छोटे एग्जामिनेशन के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक स्टेटमेंट रख देंगे कि ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या उड़ीसा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या तमिलनाडु गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। नाम रख देते हैं जलयुक्त शिविर जो है किस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो आपको आर्टिकल हैं अगर आप एक बार देख लेंगे, रीड कर लेंगे या समझ लेंगे या सुन लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और उस टाइम पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो अगर एक पॉइंट वो आ जाता है तो उसी एक पॉइंट से आप एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये ऐसे लेक्चर को सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो दिसंबर 2014 के अंदर इन्होंने लॉन्च किया था महाराष्ट्र ने। अब देखिए बहुत सारे जो हैं देखने को मिलते हैं, ड्रॉट देखने को मिलते हैं, सूखा देखने को मिल रहा है हर एक जगह जो है, लगभग 52% जो है स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सूखा देखने को मिलता है, ठीक है। हर जगह ड्रॉट प्रोन एरिया बन के रहा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ भी स्टेप लिया है और कंजर्वेशन की बात की है, तो ये सारी ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के। देखिए ICAP जो है ये पहली बार ऐसा आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड के अंदर निकाला गया है, पहली बार ऐसी रिपोर्ट निकाली गई है जिसके अंदर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को किस चीज़ के रेफ्रिजरेटर वगैरह की जो डिमांड है उसको कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहला सच ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा हमारे ओजोन डे के दिन जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए किस दिन ओजोन डे बनाया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर ही बताना है, ओजोन डे के दिन यहाँ पे इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान को अप्रिशिएट किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे अप्रिशिएशन मिला है हमको, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी कूलिंग से रिलेटेड जो एरिया हो गए हैं, ठीक है, कूलिंग से रिलेटेड जो एनर्जी हमें बचाने की यहाँ पे बात की जा रही है, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, उसकी डिमांड को कम करने की बात की जा रही है, ठीक हो। तो इसके अंदर जो है एक असेसमेंट बनाया जाएगा नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए कि किस तरीके से हमें डिमांड को नीचे करना है, एनर्जी यूज को यहाँ पे घटाना है, ठीक है। मैप बनाया जाएगा कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से रेफ्रिजरेटर हो गए, इंटरवेंशन हो गए, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज के किस तरीके से हम एक नई चीज़ें लेके आए, ठीक है। सजेस्ट इंटरवेंशन किस तरीके से आपसे सजेस्ट करेंगे, सस्टेनेबल कूलिंग थर्मल कम्फर्ट के लिए, ठीक है। स्किलिंग के ऊपर हम फोकस करेंगे, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है फॉरेस्ट प्लस 2.0। देखिए 2.0 फॉरेस्ट प्लस 2.0 क्या है, एक एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए, यूएस एजेंसी के द्वारा फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID एंड इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, दो मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, एक यूएस की हो गई, यूएस की एजेंसी हो गई फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, और एक इंडिया की मिनिस्ट्री हो गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ, देखिए ये हो गई हमारी यूएस की, ठीक है, और ये इंडिया की मिनिस्ट्री हो गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसको लॉन्च किया है फॉरेस्ट प्लस टू। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट प्लस टू किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पहले ऑप्शन में रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओनली, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज, यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है, अगर आपने ये चीज़ एक बार देखा है, सुना है, पढ़ा है तो, ठीक है। ये 5 साल तक का प्रोग्राम है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये प्रोग्राम जो है कितने ईयर्स का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना है कितने इयर्स का प्रोग्राम है, ये 5 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। फोरेस्ट प्लस 2.0 जो है 5 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है।
इसके अंदर क्या चीज़ें में डेवलप किया जाएगा, किस चीज़ में फोकस किया जाएगा, तो इकोसिस्टम मैनेजमेंट, हार्सिंग इकोसिस्टम सर्विस के इसके अंदर इसको मैनेज किया जाएगा। जैसे कि 3 लैंडस्केप लिए गए हैं, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है 3 लैंडस्केप को याद रखना है आपको, गया जो है बिहार के अंदर, ठीक है, तिरुवंतपुरम केरला के अंदर, और मेडक जो है तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस किया गया इन साइट्स को, तो इनकी लैंडस्केप वगैरह ये सारी चीज़ें इसके निकल के आती हैं, ठीक है। तो ये कमिटी बेसिस में, लाइवलीहुड बेसिस में केरला की जो कि रिच बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए इसको लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों पर फोकस करते हुए हमारा जो टारगेट है, कि क्या टारगेट है हमारा, तो यहाँ पे जो 1,20,000 हेक्टर जो लैंड है उसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर एरिया को बढ़ाने की बात करी जा रही है, वहाँ पे उस लैंड को इम्प्रूव करने की, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट लेने की बात करी जा रही है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करी जा रही है, कि किस तरीके से वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी लेके आना है जो कि बेनिफिट पहुँचाए, कि 8 लाख रुपये, 80 लाख जो हाउस होल्ड्स को बेनिफिट पहुँचाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैप, देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, फिर भी एक बार आप नज़र मार सकते हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैप। ये जो है मैप एक तरीके से है इंडियन हिमालयन रीजन के रिगार्डिंग जो है, जो स्टेट्स वहाँ पे आते हैं इंडियन हिमालयन के, वहाँ पर मैप है ये किस तरीके से जो जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस यहाँ पे DST अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन, तो ये नाम है एक बार आप रीड कर लेंगे मोर देन सफिशियंट है। तो इसके द्वारा ये मिशन लेके आया गया, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी है तो वही सारी चीज़ें एक मैप तैयार किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल को मूव करते हैं, ये आर्टिकल आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। रिडक्शन इमिशन जो हमारा है, रिडक्शन इमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम, ठीक है, नाम समझ में आ रहा है। रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम जो है हिमालय से रिलेटेड है, जो भी इसके हिमालय के स्टेट होते हैं, स्टेट हैं वो सारे जो है एक साथ आएंगे इसके अंदर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन IC इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यहाँ पे साथ में जॉइंटली काम करेंगे टिल जुलाई 2020 तक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों साथ में आएंगे, काम करेंगे, साथ में काम करेंगे, क्या काम करेंगे ये लोग, हम बैकग्राउंड सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या बैकग्राउंड निकल के आता है। कि देखिए यहाँ पे जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और जो वेरियस एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर को किस तरीके से मैनेज किया जाए, फॉरेस्ट कवर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको, उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कि हमें किस तरीके से मैकेनिज्म लेके चलना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रेड प्लस जो मैकेनिज्म है जो डेवलप किया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो यहाँ पे फाइनेंशियल वैल्यू बताई जा रही है, जो कार्बन स्टोर्ड है फॉरेस्ट के अंदर, जो कार्बन स्टोर्ड है उनके अंदर बताई जा रही है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, अगर कहीं पे भी फॉरेस्ट है, सपोज इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, तो ये कार्बन सिंक एरिया हो गया, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कार्बन सिंक एरिया कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जब कार्बन सिंक एरिया करेंगे तो इस कार्बन सिंक एरिया को हमें क्या करना है, एक तरीके से बढ़ाना है, तभी तो हम क्लाइमेट चेंज से डील कर पाएंगे, यही तो हमारा प्लान है, ठीक है, यही तो मेन चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है, ये यूनाइटेड नेशन से निकल के आया था, तो इंडिया की इसमें स्ट्रेटेजी क्या है, इंडिया ने एक तरीके से लिस्ट प्रिपेयर किया है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड अ नेशनल NDP स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके अंदर आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे किया गया, जैसे नेक्शन एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज अपने हमने पढ़ा भी है, ठीक है, और ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, एंड इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC जो होता है ना, कि हर देश का अपना एक कंट्रीब्यूशन कितना उसने डिटरमाइन किया है कि हम इसके अंदर वो करेंगे, जो UNFCCC के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक हम बात कर रहे थे, ग्रीन क्रेडिट स्कीम हो गई, ये छोटी छोटी स्कीम की बात करिए, सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो इसको फुलफिल करने के लिए हम इससे सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, कि यहाँ पे देखिए आप एक बार रीड कर सकते हैं ये प्रोग्राम क्या है, कैसा क्या है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, फॉरेस्ट का स्टॉक बढ़ाना होगा, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक बढ़ाना होगा, यही सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, ठीक है। बीस में कार्बन का अपन अगर फॉरेस्ट एरिया पर आएंगे तो कार्बन सिंक का एरिया जो है अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। कैंप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ आपके लिए, ठीक है। जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा, कैंपा कह सकते हैं, कैंप कह सकते हैं, ठीक है, एक तरीके का। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट,
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कैंपा को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। कैंप को इस्टेब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि आप यहाँ पे कैंप को इस्टेब्लिश करिए। इसके अंदर क्या होता है, एक ये कैंपा एक्ट के हम थोड़ा सा प्रोविजन देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। इसके अंदर बनाया जाएगा, इस लॉ के अंदर यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ठीक है। ये फंड का तैयार किया जाएगा और स्टेट कंपनसेटरी फॉर अफॉरेस्टेशन फंड तैयार किया जाएगा। देखिए क्या होता है कि आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, सपोज कहीं पे इंडस्ट्री डाल रहे हैं या कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे अगर फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, मतलब एक तरीके से फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, तो ठीक है, जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री लग रही है या इस तरीके से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, रोड जा रही है, तो वहाँ को उनको क्या करना पड़ेगा, इतना पैसा देना होगा कि वो एक दूसरी जगह जो है फॉरेस्ट लगा सकें, ठीक है। तो ये चीज, ये जो पैसा होगा वो किसके पास होगा, इनके पास आएगा, नेशनल फॉरेस्ट नेशनल एंड स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगी और नए कोशिश करेंगी हर नई जगह जो है प्लांट्स कहाँ किस तरीके से लगाए जाएं और उस जो हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो गया, ठीक है, जो फॉरेस्ट जो एरिया होगा उसको बढ़ाया जाए। अब और भी चीज़ें होती हैं ये जो ये डील करते हैं, जैसे कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और जो अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को इम्प्रूव करने का ये देखते हैं, ये जिनके पास जितना पैसा आता है ये सारी चीज़ें हम इन्हीं में यूज करते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल रिसोर्स वगैरह हो गया, फॉरेस्टिंग मॉनिटरिंग वगैरह हो गया, सारी चीज़ें करते हैं। देखिए अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है EIA से रिलेटेड, दैट मीन्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, सॉरी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, एक तरीके का फॉर्मल प्रोसेस है प्रेडिक्ट करने के लिए कि इन्वायरमेंट कंसिस्ट एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेचुरी बैक्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ये आया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके पीछे का रैशनल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे हम क्यों लेके आए हैं, तो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट देखने के लिए हम इसको लेके आए कि यार सपोज कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, आप किस तरीके से यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है, और लाइवलीहुड के अंदर, लैंड्स के अंदर कितना यूज हो रहा है, पोटेंशियली उसका हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इम्पोर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैटर करती हैं। तो इसके अंदर जितने भी इसका इसके जो आप जो हार्मफुल एक्टिविटीज जो हो रही हैं, ठीक है, और जो ऐसा होगा कि जो इसके अंदर जो आइडेंटिफाई किया जाएगा किसकी वजह से जो है डिग्रेड हो रहा है इन्वायरमेंट हमारा, पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके द्वारा की जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं, बस एक बार आप पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफिल 2018 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा आर्टिकल है, इसके अंदर ये बताया गया है कि इसमें टारगेट दिया गया है 20%, जो देखिए अगर नेशनल बायोफिल पॉलिसी 2018 की बात करता हूँ तो पॉलिसी एक सिंपल सी पॉलिसी है, इसमें टारगेट है 20% ब्लेंडिंग की इथेनॉल की, ठीक है। यहाँ पे 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल के अंदर और 5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी बायोडीजल के अंदर, मतलब 20% जो है इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल के अंदर और 5% जो ब्लेंडिंग करके मिलाया जाएगा बायोडीजल के अंदर 2030 तक। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, 2030 तक, 2030 तक हमारा ये टारगेट है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी इन बायोफील की अगर मैं बात करता हूँ, उसके कुछ साइलेंस फीचर्स की बात करता हूँ, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि वन जनरेशन का बायो इथेनॉल जो होता है किस तरीके से होगा, ठीक है, एडवांस बायोफील, ठीक है, सेकंड जनरेशन का जो होगा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से निकल के आएगा, ठीक है, ड्रॉप इन आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1G जो बायोफील है वो क्या है, 2G जो बायोफील है उसको क्या कहते हैं, वो कहाँ से निकल के आता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है। 3G बायोफील हो गया जैसे CNG वगैरह हो गया, सब 3G बायोफील में आता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। आप किस तरीके से रॉ मटेरियल का किस तरीके से आप यूज करके बायोफिल बनाएंगे, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे रॉ मटेरियल को, इथेनॉल को प्रोडक्शन देख लेंगे कि सुगर कैन जो हो गया, जूस हो गया, ठीक है, सुगर कंटेनिंग मटेरियल जैसे कि सुगर बीट हो गया, स्वीट्स और गम वगैरह हो गए, इन सब से बायोफिल जो है बनाया जा सकता है, वीट वगैरह हो गया, ब्रोकन राइस हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इससे क्या होगा कि फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एक डायरेक्टली मतलब एक तरीके से फार्मर का जो प्रोडक्शन होगा उससे उनका जो होगा पैसा जो मनी वो ले रहे हैं वो भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स दिए गए हैं कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी घटेगी, जैसे कि हम काफ़ी ज़्यादा जो बायोफ्यूल है बाहर से इम्पोर्ट करते हैं तो वो हमारा जो है फ्यूल वगैरह जो है रिड्यूस होगा, ठीक है, क्रॉप बर्निंग रिड्यूस होगी, क्लीन इन्वायरमेंट जो है हमारा क्लीन होगा, हेल्थ बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, हमारे हेल्थ के अंदर बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसके अंदर जब बायोफ्यूल के हमें एक तरीके का
इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी, ठीक, ऑपरेट किया जाएगा, एडिशनल इनकम जो है फार्मर्स को, जैसे अभी मैंने बताया था 2G टेक्नोलॉजी के तहत जो हो जाएगा, फार्मर्स को एडिशनल इनकम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, क्लीनर इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है मेन सेंस राइटिंग में भी पुट कर सकते हैं और आपके प्रिलिम्स में ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो जनरेशन की बात कर रहा था मैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफील की अगर मैं बात कर रहा था, यहाँ पे निकल गया जाता है जो वेजिटेबल्स ऑयल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, स्टार्च होता है, यहाँ से ये इसको बनाया जाता है, ठीक है। दे मेड फ्रॉम द थिंग्स लाइक सुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, इनसे जो है फर्स्ट जनरेशन को बायोफील बनाया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी, क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन को बायोफ्यूल है वो किससे बनता है, कैसे बनाया जा सकता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड जनरेशन को बायोफ्यूल है, प्रोड्यूस फ्रॉम द सस्टेनेबल फीड स्टॉक, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन द लैंड यूज, यहाँ इसका जो इम्पैक्ट होता है अलग अलग, देखिए इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। थ्रेटनिंग टू फूड सिक्योरिटी, नो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल इज अ फूड क्रॉप से नहीं निकलता है, ठीक। तो एक तरीके एडवांस बायोफ्यूल है, थोड़ा सा नुकसान भी है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है वो एलगी से डराइव किया जाता है, जो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि एलगी से डराइव किया जाता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है एलगी से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं हम, और जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है इमिशन ट्रेडिंग स्कीम। देखिए पहली बार ऐसा हुआ इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है गुजरात के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सिंपल सी बात है, जो स्टेट स्पेसिफिक होता है तो आपको स्टेट के नाम याद रखना है, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज़ रटना है, हर एक चीज़ को याद करना है, आपको वही चीज़ याद करना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कौन सी नहीं, तो समझ में आती है प्रीवियस ईयर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी तक ये देखा गया है कि जो भी क्वेश्चन स्टेट स्पेसिफिक जो न्यूज़ होती है, स्टेट स्पेसिफिक जो प्रोग्राम होते हैं, हमेशा उसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो ETS स्कीम है, क्या ये पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है, या फिर ETS जो स्कीम है, इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है, वो किस स्टेट के द्वारा निकाली गई, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कुछ भी नाम दे देगा, महाराष्ट्र वगैरह, ठीक है, राजस्थान वगैरह, इस तरीके से कुछ भी नाम दे सकता है। ये कब निकाली गई, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इतना हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप सुन रहे हैं लेक्चर तो आपको याद हो जाएगा कि ये गुजरात के द्वारा इसको रिलीज मतलब ये स्कीम निकाली गई है टू कॉम्पैक्ट एयर पॉल्यूशन को कॉम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एयर पॉल्यूशन को कॉम्पैक्ट करने के लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019 के दिन, ठीक है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन एंड बॉन चैलेंज, ठीक है। ये जो है इसको चलिए हम देख लेते हैं। देखिए जिस हिसाब से प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें, फॉरेस्ट जो है डिग्रेड हो रहा है बार 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 बार, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो अगर यही चीज़ चलती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ऐसा होगा कि बिल्कुल फॉरेस्ट नहीं रह जाएगा, आपको बिल्कुल शुद्ध हवा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आप मतलब एक तरीके शुद्ध हवा आपको बिल्कुल आप बिल्कुल यूज नहीं कर पाएंगे शुद्ध हवा का, ठीक है, तो प्योर फॉर्म ऑफ एयर नहीं मिल पाएगी आपको और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो फिर ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब जो आपकी लाइफ को ही थ्रेट कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लेके आया गया है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, मतलब आपको फिर से रिस्टोर करना है, अर्थ को क्या करना है, रिस्टोर करना है, मतलब जो भी जहाँ पे फायर लग गई थी, जो फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर एरिया नहीं है, जहाँ पे हमने बोन के अंदर जो एक जगह है वहाँ पे हमने चैलेंज लिया है कि, और इंडिया में इसमें फेज जो है 3.5 ईयर्स को इम्प्लीमेंट कर रही है कौन कौन से स्टेट के अंदर, तो स्टेट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कौन कौन से स्टेट इसके अंदर है, ठीक है। जैसे कि स्टेट ऑफ हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, नागालैंड है, ठीक है, और कर्नाटका है, तो ये स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड हम देखते हैं, COP 2015 के जो पेरिस के अंदर हुआ था, इंडिया ऑल्सो ज्वाइन द वॉलेंटरी बॉन्ड चैलेंज, तो इंडिया ने वॉलेंटरी बेसिस पे होता है तो वॉलेंटरी बेसिस पे इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है, जिसके अंदर बात हुई थी कि हम रिस्टोर करेंगे 30 मिलियन हेक्टर डिग्रेडेटेड डिफोरेस्टेटेड लैंड बाय 2020। तो 2020 तक हम क्या करें, 2020 आ गया है, इस तरीके से हमारा मतलब एक तरीके से रिजल्ट आने वाला टाइम आ चुका है कि हम कब लेंगे, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हम 2020 तक 13 मिलियन हेक्टर लैंड जो डिग्रेड हो चुका है, जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो चुका है, जहाँ पहले फॉरेस्ट
फॉरेस्ट हुआ करता था, जहाँ पे पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे, वो आप यहाँ पे नहीं है, तो हम उसको फिर से रिस्टोर करेंगे, वहाँ पे फिर से पेड़ पौधे लगाएंगे, उसको फिर नया हरा भरा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। देन हमने फिर से अनाउंस किया यहाँ पे 8 मिलियन हेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा 8 मिलियन हेक्टर बाय 2020। तो अभी तक हमने कितना बात किया था, 13 मिलियन हेक्टर की बात करी थी। अब हम 10 साल का चैलेंज हमने और लिया है कि 2013 तक हमने प्लेज लिया है। ठीक है, तो एशिया के अंदर जो हमारे जो प्लेज है, सबसे लार्जेस्ट प्लेज है, हमने एक शपथ ली है, तो आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। आप भी कोशिश कर सकते हैं आपके घर के आसपास कितने ज़्यादा आप ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, तो 8 मिलियन हेक्टर के अंदर, लैंड के अंदर आपको 2030 तक जो है पेड़ पौधे लगाने हैं। तो ये हमारा एक शपथ है, हमने ये लिया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब देखिए, आइए देखते हैं व्हाट इज बॉर्न चैलेंज। अब बॉर्न चैलेंज क्या है एंड व्हाट इज FLR अप्रोच, FLR अप्रोच क्या है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन अप्रोच क्या है और बॉर्न चैलेंज क्या है। ठीक है, एक तरीके का क्या है, ग्लोबली बेसिस में लिया गया, जैसे मैंने बताया यूनाइटेड नेशन के अंदर लिया गया है, तो ये ग्लोबली बेसिस में लिया गया है टू ब्रिंग 150 मिलियन, जो 100, देखिए टोटल जो एरिया है, तो हमने कितना ले लिया, पहले 13 लिया था, बाद में 8 लिया, तो हमारा 13 + 8 कितना चैलेंज हो गया हमारा यहाँ पे, 13 + 8 यहाँ पे, ये देखिए 20 मिलियन जो है हमने यहाँ पे चैलेंज को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इन्होंने चैलेंज लिया था 2020, मतलब 150 मिलियन हेक्टर जो है यहाँ पे पूरा करने की बात कर रहे थे 2020 तक, रिफोरेस्टेशन की बात कर रहे थे कि यहाँ वहाँ पेड़ पौधे, और 350 मिलियन हेक्टर लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2030 तक। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको याद रहेगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप डील कर ले जाएंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं PDF शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, अगर जो आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में सभी PDFs को मैं शेयर कर दिया करता हूँ, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली यहाँ पे क्या है, यही सारी चीज़ें FLR वगैरह हो गया, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, जहाँ जहाँ इकोलॉजिकल नीच वगैरह हो गई, ठीक है, इकोलॉजिकल एक्टिविटी वगैरह हो गई, तो वहाँ पे हमको इकोलॉजिकल हो गए सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना है, फ्यूचर नीड्स को देखते हुए लैंडस्केप को, जो फ्यूचर नीड्स है उसको बढ़ाते हुए हमें प्लांटिंग करना है, ट्रीज लगाना है, मेजोरिटी एरिया में रिस्टोरेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह इम्प्रूव करना। ठीक है, तो आज का आर्टिकल हमारे यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम देखेंगे एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कर दीजिए, बस यही बोलना था आपसे, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा लेक्चर आपको, और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।